नमस्कार। भारत मेरा देश और मैं सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर भारत। चुनाव 2019, लोकसभा भारत। वोट देना है हम सब जानते हैं, वोट हमारा अधिकार है वो भी जानते हैं, संवैधानिक अधिकार है ये भी जानते हैं, आप भी जानिए और जानते होंगे। पर कैसे दिया जाए, भावनाओं में बहकर मन का इस्तेमाल करते हुए या भगवान के दिए हुए पावरफुल शक्ति अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए, अपने दिमाग का, माइंड का इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए, क्या हम इतने गिर जाएं कि सोचे नहीं, या इतने उठ जाएं कि सोच सोच कर काम करें? जहाँ तक मैं समझता हूँ, सोच सोच के काम करना बुद्धिमानी होती है और मन से काम करना भावना में बहना होता है। जैसे हम भावना में भय हैं, 1971 में भावना में भय, इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ के नारे से। उसके बाद 1975-76 में भावना भय इंदिरा गांधी को हटाने के लिए एमरजेंसी के बाद। फिर हम भावनाओं भाई जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, उसके बाद राजीव गांधी जी को बनाया गया, और फिर भावनाओं ने हमको 400 सीटें दे दी। दिमाग से नहीं दी, भावनाओं से दी, श्रद्धांजलि अर्पित की इंदिरा गांधी को। उसके बाद भावनाएं हमें डोमिनेट करती हैं पूरे समाज को, और भावनाओं का रिजल्ट होता है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री या लैंडस्लाइड डिफीट, हार या जीत पूरे रूप से। क्या हम अपने देश को भावनाओं में चलाएंगे या दिमाग से चलाएंगे? हमारे लीडर भावनाओं में भाई हमें हमारे को कुछ रास्ता दिखाएं आगे चलने का, देश को बढ़ाने का। समझ नहीं आता आप लोग क्या चाहते हैं। अरे भावनाओं से काम नहीं चलने वाला है, माइंड से काम चलने वाला है। हम वोट देते हैं, सोचते हैं हमने मोदी को वोट दे दिया या कांग्रेस को वोट दे दिया या किसी और को वोट दे दिया। हम ये भी नहीं जानते कि हम किसको वोट दे के आए हैं, हम उसका नाम तक नहीं जानते। बस या तो कमल के फूल पर निशान लगा दो, हाथ पे लगा दो, या हाथी पे लगा दो, या साइकिल पे लगा दो, या किसी बैलगाड़ी पे लगा दो, या किसी पे भी लगा दो, कोई मतलब नहीं। पागल हैं क्या हम? हम ठीक है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं आजकल चाइना के बाद। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, PhDs और स्कूल और बाकी शायद नहीं, लेकिन शायद नहीं भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं, 50-60 साल से वोट देते आ रहे हैं, 70 साल से। उनको पता है कि हमारे मत का क्या मतलब है। मैं इसको मतदान मानता ही नहीं, मैं इसको मत अधिकार मानता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा अधिकार। हम इसको फेंक नहीं सकते। हमारा नेता कहे कि इसको दे, तुम दे दें, हम पागल हैं क्यों दे दें? हम नहीं सोच सकते हमें वोट किसको देना है? हम क्यों नहीं कोशिश करते कि बिना पार्टी के किसी उम्मीदवार को लाया जाए? कांग्रेस, BJP या किसी और के हम गुलाम है क्या? हमारी बाइंडिंग एग्रीमेंट है उनसे कि हमें तुम्हें वोट देना है, पर कैसे देना है? कौन लगता है मोदी है, कौन लगता है राहुल है, कौन लगता है सोनिया है, कौन लगता है कोई और कि मुझे कहे कि तो उसको वोट दो? कौन दूंगे कहने से? मैं समझता नहीं मेरे वोट का मतलब क्या है, मैं जानता नहीं मुझे किसको वोट देना चाहिए। एक छोटी सी नौकरी के लिए भी इंटरव्यू लिया जाता है, CV सबमिट की जाती है, सिलेक्शन होती है, और इतने बड़े पोस्ट के लिए हम ऐसे फेंक दें, ले लो जी साहब आए उन्हें इतना जी आइए मेरे एरिया में, आप आइए मेरा ख्याल रखिएगा। वो कहता है मेरा ख्याल रखिएगा, ख्याल कोई इसका रखता नहीं है। अरे पागल नहीं है हम? अनपढ़ देश नहीं है, हम पढ़े लिखे देश हैं, लेकिन हम काम करते हैं अनपढ़ों की तरह। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ों की तरह बात करते हैं, कोई नहीं देखता कि उसके एरिया कौन उम्मीदवार है। अरे उम्मीदवार देखो, बेशक आप स्वतंत्र उम्मीदवार को भेजो, इंडिपेंडेंट को भेजो, कोई चिंता नहीं है। अच्छा आदमी तो कम से कम जाए, ठीक है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, कुछ समय के लिए सब सुलझ जाएगा, लेकिन इनके साथ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाए। वो कांग्रेस जीत गया या BJP जीत गया, कोई और जीत गया है, ये तो प्रॉब्लम्स ही करते हैं, कोई चिंता नहीं करता। बस एक बार वोट मिल गया तो मालिक बन जाते हैं देश के, जबकि मालिक हम हैं। सोचिए जनाब, सोचिए, ये भारत है, जय भारत। आई हैव टू टेल यू दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर वोट। आवर वोट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली, वेरी वैल्यूलेस, बट वी आर थ्रोइंग आवर वोट डस्ट, वी आर थ्रोइंग इट इन इमोशंस एंड सेंटिमेंटल रिवर, वी फ्लो इन दैट विच इज़ वेरी बैड। We don't have to be blown by emotions. We have to be blown by mind. We have to use our mind. Mind is a gift given by God free of cost. It's a very powerful instrument and we have to use it to analyze everything. We should not accept what our leaders, any party's leaders say, with this to them. No, we should not accept that. That's nonsense. We are educated country, educated people, but we are not practically educated. We are educated for the purpose of job, but we are not educated for the purpose of exercising our franchise, which is our privilege in Constitution of India. We have to be careful. We should not flow ourselves from dust. It is our right in 5 years, and we have to use it very
carefully. I don't say you vote whom, you check yourself if you have to vote. Don't care about political parties, care about candidate. You can also elect, you contest yourself, no problem. Anybody can go. So whoever can go, you go, means the public likes you, you can go. Why do different parties? I cannot go to any party and ask for any seat because I will not get it. I don't have crores of money to give them to have a ticket. So better you support public candidates, not party candidates. A public candidate is powerful, Lok Sabha is powerful. If party candidate is powerful, Lok Sabha will ruin itself because parties will work in Lok Sabha, not MPs. Therefore, think. Don't act like illiterate people, act like intelligent people. All are intelligent, people are not fools, people have power to think, they have potential to elect good candidates, therefore elect good candidates. Jai Bharat, thank you very much, dhanyavaad, shukriya, thank you very much, Jai Bharat.